Hey guys, welcome back to Tech and Fitness. I am Utkarsh and we are back with another video. आज का वीडियो गाइस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है. जैसा आप देख चुके होंगे टाइटल में कि गाइस आज आई एम गोइंग टू अटेंड इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप राउंड 4. मैं अभी हूँ यहाँ पर अपने बैंगलोर वाले फ्लैट पर. वैसे तो मैं बैंगलोर किसी और काम से आया था. मेरा पर्पज़ यहाँ रैली अटेंड करना नहीं था, कोई पर्सनल काम से मैं यहाँ बैंगलोर आया हुआ था. बट जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप का राउंड यहाँ होने वाला है. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज इस रैली में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं नन अदर देन गौरव गिल. जी हाँ गाइस, तो मेरा पर्पज़ ये रहेगा कि रैली में कि मैं वहाँ जाऊँ एंड इफ आई कैन गेट होल्ड ऑफ गौरव गिल सम हाउ, तो मैं उनका छोटा सा एक इंटरव्यू ले सकूँ आप लोगों के लिए इस चैनल पे. तो गाइस अभी मैं हो रहा हूँ तैयार और फटाफट बुक करते हैं कैब एंड चलते हैं वहाँ लोकेशन पर, यू आर यू ब्रू पार्क. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज अभी मैं बैठा हूँ कैब में एंड अभी यहाँ से जो हम जा रहे हैं यू आर यू ब्रू पार्क, जो कि जहाँ पे रैली का फ्लैग ऑफ होना है. तो फ्लैग ऑफ वैसे होना था 5 बजे एंड अभी हो रहे हैं 4:40 PM. तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ. जिस लोकेशन से मैं वहाँ जा रहा हूँ वो लोकेशन वहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर्स दूर है. अभी मुझे करीब 5-10 मिनट ही हुए हैं कैब में बैठे हुए, तो आई एम लेट फॉर द फ्लैग ऑफ. होपफुली वी कैन रीच देयर ऑन टाइम एंड गेट सम गुड शॉट्स. अभी तो मैं बैंगलोर के ट्रैफिक में फंसा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर. गाइज एक छोटी सी अपडेट है. आई नो अभी थोड़ी सी कुछ साउंड प्रॉब्लम्स हो रही होंगी एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. आई डोंट नो, आई थिंक ड्यूरिंग द कम्यूट आई हैव डैमेज माई माइक, तो उस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा इस व्लॉग में. सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. अपडेट ये है कि मैं अभी हूँ चर्च स्ट्रीट पर बैंगलोर में एंड यहाँ से अभी मुझे लगेंगे कम से कम आधा घंटा रैली लोकेशन पहुँचने के लिए. बट द गुड न्यूज़ इज मैंने INRC के एडमिन स्टाफ से बात करी थी उनके फेसबुक पेज पे एंड दे मेंशन कि अभी तक रैली फ्लैग ऑफ स्टार्ट नहीं हुआ है. ऑल्दो इट वॉज शेड्यूल्ड फॉर 5 PM बट इट्स अराउंड 5:30 नाउ, बट अभी तक वो स्टार्ट हुआ नहीं है. तो हम लकी, होपफुली आधे घंटे तक अगर वो स्टार्ट नहीं हो तो मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा. एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, वेरी थैंकफुल टू द INRC एडमिन स्टाफ बिकॉज दे हैव बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल ऑन देयर फेसबुक पेज. अगेन आई नो कि उनका ये काम नहीं है कि वो स्पेक्टेटर्स को बताएं कि रैली लोकेशन पे कैसे पहुंचना है, बट दे हैव बीन रियली फैबुलस. जो भी इंफॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड थी उनकी तरफ से दे हैव प्रोवाइडेड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन टू मी टॉकिंग ऑन द फेसबुक पेज. अभी भी उनके पास एक मैसेज आया, उन्होंने मुझे एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है जिन्हें मैं कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ वहाँ रैली लोकेशन पे एंड आई कैन गेट द अपडेट्स एंड गेट टू द एक्चुअल लोकेशन जहाँ पे मैं फ्लैग ऑफ को देख सकूँ. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अगर मैं टाइम से पहुंच सकूं तो इट विल बी रियली रियली फैंटास्टिक. अभी तो अगेन मैं ट्रैफिक में स्टक हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी अभी रुकी हुई है. आई नो मेरी ही गलती है, मुझे लेट नहीं होना चाहिए था, पर ठीक है होता रहता है. जहां तक मुझे लगता है जैसा उन्होंने बोला कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आधे घंटे में तो मैं पहुँच ही जाऊँगा. तो अगेन अगर स्टार्ट भी होगा तो भी आई विल गेट सम गुड ग्लिम्स सम गुड शॉट फॉर यू गाइस. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई सी यू व्हेन आई एम एट द लोकेशन. गाइज मैं पहुंच चुका हूं यू आर यू ब्रू पब एंड द बैड न्यूज़ इज़ कि यहां पे ऑलमोस्ट इवेंट ख़त्म होने को आया है. मैं यहीं उतर जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं भैया. पहुंच तो गए हैं बट इवेंट यहां पे ख़त्म होने को आया है. तो आप देख सकते हैं यहां पर फ्लैग ऑफ चल रहा है रैली का. तो गाइज जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आई नो यहाँ पे थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो रहा होगा. मैं बहुत सारे इवेंट मिस कर चुका हूँ. पार्टिसिपेंट्स जा चुके हैं यहाँ से टू खोडे इंडिया लिमिटेड विच इज़ लाइक द सर्विस पार्क फॉर दिस रैली. मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा इवेंट चल रहा है. अनफॉर्चुनेटली हम टाइम पे नहीं पहुँच पाए, गौरव गिल इज़ नॉट हेयर, दे हैव ऑलरेडी गॉन. मैंने जब रास्ते में आ रहा था तो आई सॉ द कार्स गोइंग अवे फ्रॉम हेयर. तो दिस इज लाइक रियली अनफॉर्चुनेट कि मैं आज इतनी दूर ट्रैवल करके आया. सर आई बिन
traveling on the cab for like around 1 hour or maybe 1.5 hours. So that is like little bit unfortunate ki hum log zyada kuch catch nahi kar paaye flag off se. But the event is going to be there tomorrow and day after as well. So I'll try to grab some route information here. Mujhe kisi tarah se rally ki route information agar mil jaye to main yahan pe leke dekhunga ki kaun se spectator points hai jahan pe main ja sakta hu, and I can cover some of the really good action from INRC Bangalore for you. So guys, what action that was. आपको पसंद आया? आपको तो पता नहीं, मुझे बहुत पसंद आया. It was really an action-packed weekend in the K1000 Rally Bangalore with lot of unexpected twists and turns. मतलब first day on the rally, Gaurav Gill was leading end of the day by 50 seconds. मतलब 50 seconds lead करने के बाद no one will think कि अब यहाँ से कोई standings change होगी. But
The last day of the rally, on the first stage, he retired from the rally because of the mechanical failures and unfortunately was not able to complete the rally. And in the end, Chetan Shivaram with his co-driver Dilip Sharan won from Team Akshara in his Volkswagen Polo car. कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे आने वाली रैली को कवर करूं, तो डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स बिलो। आपने अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए मेरे इंस्टाग्राम पे एंड फॉलो कीजिए @i.m.utkarshsheth। तो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अब मैं जा रहा हूँ घर। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हमेशा की तरह अनटिल वी मीट अगेन इट्स गुड बाय टेक केयर नमस्कार।